तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों वीवो ने अपनी V29 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, तो आज के इस वीडियो में वीवो V29 प्रो का OnePlus 11 और 5G के साथ में कंपैरिजन करके बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा दोनों में से किस में बेस्ट कैमरास मिल जाते हैं, कौन सा गेमिंग के लिए बढ़िया स्मार्टफोन है, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन एग्जैक्टली वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। सो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन के बारे में। वीवो V29 प्रो के बैक एंड फ्रंट पर ग्लास दिया गया है एंड इस फोन का फ्रेम प्लास्टिक से बना हुआ है। इस फोन में रियर में 3 कैमरास मिल जाते हैं एंड एक कर्व डिस्प्ले मिल जाती है। इस फोन का वेट 186 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.46 mm है, यानी कि ये स्मार्टफोन काफी पतला है। वहीं दूसरी ओर OnePlus 11R 5G के बैक एंड फ्रंट पर Gorilla Glass 5 का प्रोडक्शन दिया गया है। OnePlus 11R 5G का फ्रेम भी प्लास्टिक से बना हुआ है, यहाँ पर मेटल फ्रेम नहीं दिया गया है। इस फोन में भी रियर में 3 कैमरास मिल जाते हैं एंड एक कर्व डिस्प्ले दी जा रही है। इस फोन का वेट 204 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.7 mm है, यानी कि ये स्मार्टफोन थोड़ा सा हैवी एंड थोड़ा सा मोटा भी है एज कम्पेयर टू वीवो V29 प्रो। देखने में तो दोनों स्मार्टफोन्स की डिजाइन काफी ज्यादा प्रीमियम है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दी जा रही है। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको एक पतला स्मार्टफोन चाहिए, लाइट वेट स्मार्टफोन चाहिए, तो आपको वीवो के डिवाइस के साथ में जाना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आपको एक सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का स्मार्टफोन चाहिए, तो आपको OnePlus के इस स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए। आगे बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। वीवो V29 प्रो में 6.78 इंचेस की QHD+ कर्व एमोलेड डिस्प्ले दी जा रही है एंड ये 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ OnePlus 11R 5G में 6.7 इंचेस की फुल HD+ फ्लूइड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी जा रही है एंड यहाँ पर भी 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट दी जा रही है, यानी कि स्मूथनेस के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स अच्छे हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है, जो काफी फास्ट अनलॉक करता है एंड काफी अच्छे से काम करता है। Vivo V29 Pro में 1300 nits का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है, वहीं OnePlus 11R 5G में 1450 nits का पीक ब्राइटनेस दिया जा रहा है। तो डायरेक्ट सनलाइट में यूज करने के लिए दोनों स्मार्टफोन्स बेस्ट हैं। आप डायरेक्ट सनलाइट में किसी भी तरह के आर्टिकल को रीड कर सकते हो, लेकिन और ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस के मामले में OnePlus का स्मार्टफोन आगे जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में HDR 10+ एंड वाइड वन L1 का भी सपोर्ट दिया जा रहा है, जिसकी मदद से आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Netflix एंड Amazon Prime पर भी फुल HD में मूवीज को देख पाओगे, वहां पर भी आपको काफी बढ़िया अनुभव मिल जाएगा। कंटेंट वॉचिंग के लिए तो दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले काफी ज्यादा बढ़िया है, तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ज्यादा मूवीज देखते हो, बहुत ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम करते हो, तो आप दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। दोनों स्मार्टफोन्स आपको काफी वाइब्रेंट एंड काफी पंची कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। आगे बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। Vivo V29 Pro में 4600 mAh की बैटरी दी जा रही है एंड सेम बैटरी साइज हमें V27 सीरीज में भी मिला था। खैर इस बार Vivo V29 Pro में 80 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया जा रहा है, लेकिन भाई इस फोन में कोई भी ऑडियो जैक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर दिए जा रहे हैं, जो इस फोन का काफी बड़ा लेट डाउन है, बिकॉज इस फोन में अंडर 40,000 रुपीज भी डुअल स्पीकर नहीं दिए जा रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। हालांकि सिंगल स्पीकर्स काफी लाउड साउंड करते हैं, काफी क्लियर साउंड करते हैं, लेकिन डुअल स्पीकर्स की तो बात ही अलग है। Vivo V29 Pro में IP54 की रेटिंग दी जा रही है, तो यह स्मार्टफोन पानी की छींटों को या फिर धूल के कणों को आसानी से सह सकता है, लेकिन ये मत समझना आप इसको अंडर वाटर यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। दूसरी तरफ OnePlus 11R 5G में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो 100 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है एंड इस फोन में डुअल स्पीकर्स दिए जा रहे हैं, यानी कि साउंड एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। इस फोन में भी आपको कोई भी ऑडियो जैक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है एंड ना ही इस फोन में IP रेटिंग भी दी जा रही है। दोनों स्मार्टफोन्स में से किसी में भी NFC सपोर्ट नहीं मिलता है। वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी आराम से एक दिन तक चल जाएगी, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, अपने स्मार्टफोन को बहुत कम यूज करते हो, लेकिन और ज्यादा अच्छी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के मामले में, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के मामले में, अच्छे स्पीकर्स के मामले में OnePlus का स्मार्टफोन विनर है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। Vivo V29 Pro FrontEdge OS 13 पर रन करता है एंड इसमें Android 13 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही में यहाँ पर आपको 2 साल के OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी दिए जाएंगे। लेकिन भाई मुझे इस फोन की एक चीज अच्छी नहीं लगी, इस फोन के UI में एड्स मिलते हैं, इसमें आपको ब्लॉटवेयर दिया जा रहा है, हॉट ऐप, हॉट गेम्स जैसे फीचर्स दिए जा रहे हैं, जो एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड नहीं कराते हैं। एटलीस्ट 40,000 रुपीज के प्राइस पर तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। बात करें OnePlus 11R 5G की, तो ये स्मार्टफोन ऑक्सीजन OS 13 पर रन करता है एंड इसमें एंड्रॉइड 13 मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। OnePlus ने इस स्मार्टफोन के लिए 4 साल के OS अपडेट्स एंड 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस देने का प्रॉमिस किया है, जो काफी बढ़िया चीज है, यानी कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए काफी अच्छा स्मार्टफोन है। एंड एक और अच्छी चीज ये है, इस फोन में आपको कोई भी एड देखने को नहीं मिलेंगे एंड ना ही कोई ब्लॉटवेयर दिया जा रहा है, जो हम जैसे उपभोक्ताओं को अच्छा अनुभव प्रदान
कर देता है। बात करें 5G कनेक्टिविटी की तो Vivo V29 Pro में 8 5G एंड ऑफर किए जा रहे हैं, वहीं OnePlus 11R 5G में 9 5G एंड ऑफर किए जा रहे हैं, यानी कि एक 5G बैंड से यहाँ पर OnePlus का स्मार्टफोन विनर है। हालांकि दोनों में आपको 5G कनेक्शन अच्छे मिल जाएंगे, उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पार्ट होता है। Vivo V29 Pro में MediaTek Dimensity 8200 का प्रोसेसर दिया जा रहा है, जो 4nm के आर्किटेक्चर पर बेस्ड आता है। वहीं OnePlus 11R 5G में Snapdragon 8 Plus Gen 1 का प्रोसेसर दिया जा रहा है, एंड ये भी 4nm के आर्किटेक्चर पर बेस्ड आता है। यानी कि दोनों स्मार्टफोन्स के जो प्रोसेसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, जो आपकी मल्टीटास्किंग को, वीडियो एडिटिंग को, या फिर जो डेली टास्क होते हैं उनको बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं, उसमें आपको कैसी भी दिक्कत नहीं होगी। एंड आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में COD मोबाइल, BGMI जैसे हैवी गेम्स को बड़ी आसानी से खेल सकते हो। वहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ गेमिंग मिल जाएगी, काफ़ी नेक्स्ट लेवल गेमिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि दोनों का एंटू स्कोर क्या है, तो देखो Vivo V29 Pro का N22 स्कोर 9 लाख के करीब आता है, वहीं OnePlus 11R 5G का N22 स्कोर 10 लाख प्लस आता है। तो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के मामले में OnePlus का स्मार्टफोन विनर है। तो अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको OnePlus 11R 5G को रिकमेंड करूँगा। अब बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। Vivo V29 Pro में मेन सेंसर 50 MP का दिया गया है विद OIS, जिसमें सोनी का IMX766 का सेंसर दिया जा रहा है, एंड सेकंड इसमें आपको 8 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया जा रहा है, एंड पहली बार Vivo के इस स्मार्टफोन में 12 MP का टेलीफोटो लेंस भी दिया जा रहा है, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वेल इस फोन के फ्रंट में 50 MP का सेंसर दिया जा रहा है। हालांकि आप इस फोन के रियर कैमरा से 4K तक वीडियोस को शूट कर सकते हो। दूसरी तरफ OnePlus 11R 5G में मेन सेंसर 50 MP का दिया गया है विद OIS, एंड इसमें भी सोनी का सोनी IMX890 का लेंस दिया जा रहा है। सेकंड 8 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया जा रहा है, एंड थर्ड 2 MP का सेंसर दिया जा रहा है। इस फोन के फ्रंट में 16 MP का सेंसर दिया जा रहा है, एंड आप इस फोन के रियर कैमरा से 4K अदरवाइज 60 FPS तक वीडियोस को शूट कर पाओगे। अब सवाल ये आता है कि दोनों में से किस में बेस्ट कैमराज दिया जा रहा है। Vivo V29 Pro आपको काफ़ी अच्छी इमेजेस दे सकता है, उनमें आपको अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी, अच्छी डायनामिक रेंज मिल जाती है, एंड अच्छे कलर्स भी मिल जाते हैं। इवन ये स्मार्टफोन आपको रात में भी काफ़ी अच्छी इमेजेस दे सकता है, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, अच्छी डिटेल्स मिल जाती है, यानी कि ये स्मार्टफोन आपको बेस्ट क्वालिटी की इमेजेस दे सकता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। वहीं OnePlus 11R 5G से आप डे लाइट में काफ़ी नेक्स्ट लेवल इमेजेस ले सकते हो, उनमें आपको ग्रेट डिटेल्स मिल जाएंगे, ग्रेट डायनेमिक रेंज मिल जाएंगे, एंड काफ़ी बढ़िया कलर्स भी मिल जाते हैं, एंड सेम चीज़ आपको रात में भी मिलती है, यानी कि रात में भी ये आपको काफ़ी अच्छी इमेजेस दे सकता है। कैमरास के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स बेस्ट हैं, आप कैमरास के लिए कौन सा भी पिकअप कर सकते हो। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइस के बारे में। Vivo V29 Pro का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका प्राइस 39,999 है। वहीं OnePlus 11R 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज, उसका भी प्राइस 39,999 रखा गया है। अब दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए? वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स को परचेस करना वर्थ है, दोनों में आपको काफ़ी अच्छे कैमरास मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन Vivo V29 Pro में कुछ कमियां हैं, जैसे कि स्मॉल बैटरी दी जा रही है, यहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर दिया जा रहा है, एंड इसमें आपको सिंगल स्पीकर दिए जा रहे हैं। लेकिन OnePlus के स्मार्टफोन में आपको ऐसी कमी नहीं मिलती है, ये एकदम क्लीन UI के साथ में आता है, डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, नेक्स्ट लेवल गेमिंग मिल जाएगी, एंड कैमरास भी काफ़ी मस्त दिए जा रहे हैं। तो भाई आप दोनों में से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मेरी राय में यहाँ पर आपको OnePlus 11R 5G को परचेस करना चाहिए, जो और ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो भाई यही था इन दोनों स्मार्टफोन्स का ऑनेस्ट कंपैरिजन। आपके दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को शेयर जरूर करना।